बिल्कुल सही कहा। अब जितना भी निकाल वहाँ से देखिएगा, वहाँ भुआ पिल्लू है ना, उसमें हाथ नहीं लगना चाहिए। बाबा तो हम लग बैठे थे। ये देखिए बड़ा है। भागेगा सर, दवा ले क्या सर? ठीक है भागेगा सर। जी आपने देखा दोस्तों, इतना सारा ईंटा के ढेर में ये आइए मंदिर पे, आइए मंदिर पे। इतने सारे ईंटे के ढेर में छिपा हुआ था, तो यहाँ के लोगों का कहना था कि बीन बजाइए या फिर कुछ छिटिए तभी ये कोबरा निकलेगा, ऐसा नहीं होता है ना। जब भी आप निकाल सकते हैं तो स्वयं से निकाल सकते हैं, इसको मेहनत करके इसको निकाल सकते। पूरी दुनिया की ताकत इसको बीन से नहीं निकाल सकता है ना झाड़ू करके। और आप देखते कितना ये कितना गुस्सा कुबड़ा है। जब भी कोई सांप अगर ऐसे सामने खड़ा हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई दौड़ा देगा या फिर काट लेगा, है ना, दूरी बना, डिस्टेंस बना। जैसे ये कुबड़ा है यहाँ, इतना यहाँ है, तो यहाँ से इस तरह का स्टैंड बना के, है ना, दूरी बना के जब भी वो अपना सर पटके तो यहाँ पटके, हाथ पैर में नहीं पटक पाएगा, ठीक है, दूरी बना के रहना है। और ये जहरीला सांप है, कभी भी अगर जहरीला सांप काट ले तो झाड़ू के चक्कर पे नहीं रहना है। तो अभी हम क्या बता रहे थे, अगर ये जहरीला सांप है, अगर किसी व्यक्ति को अगर ऐसा सांप काट ले तो डॉक्टर के पास जाना है जितना जल्दी से जल्दी। अगर टाइम को बर्बाद कीजिएगा, टाइम नहीं समझे तो क्या व्यक्ति का जान चला जाएगा। एक एक इसका लास्ट एक ही उपाय होता है, स्नेक एंटी वेनम। जब तक स्नेक एंटी वेनम नहीं पड़ेगा जान नहीं बचेगा। स्वयं से प्रयास नहीं करना है किसी को, स्वयं से प्रयास कीजिएगा तो ये जानलेवा होगा, है ना। बरियासपुर आए थे मुसहरी टोला, जो कि मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। अभी फाइनली हम रेस्क्यू कर चुके हैं, इतने सारे ईंटे के ढेर में ये था। तो अभी हम फिर बता दें, सांप बीन के धुन से बाहर नहीं निकलता है, ये सब गलत बात है, चलिए पैक करते से, है ना। तो अभी आपने देखा दोस्तों, काफी ईंटे के ढेर में छिपा हुआ था और इंसान के बीच में करीब 20-22 साल से रह रहा था, किसी को नुकसान नहीं किया ना। लेकिन क्या है, ये किसी घर में छिप जाता तो लोग कैसे सबसे पहले मार देते, लेकिन मारना नहीं, किसी भी जीव को नहीं मारना, जीने का अधिकार हक सबको है। तो अब यहाँ जितना जीना इसका जीना था जी लिया, अब इसे पर्यावरण जंगल लेके चले जहाँ अपना जीवन को सुरक्षित जी सके, इंसान को तकलीफ ना हो और ना ही इसे कोई तकलीफ हो। तो चलिए चलते हैं दोस्तों जंगल लेकर के, मिलते हैं वहाँ पे, है ना। अगर रेस्क्यू पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं दोबारा फिर से और किसी नए स्नेक के साथ।
आपका अपना स्नेक सेवर करण पाल, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मुसहरी बरियारपुर काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने इस कुबड़ा का सही सलामत रेस्क्यू कर लिया। हालांकि इतने सारे ईंटे के ढेर में सांप पकड़ना बहुत ही क्रिटिकल होता है, और ये भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं इसके अलावा और भी कोई तो सांप है नहीं, क्या है नहीं है, देख के रेस्क्यू करना पड़ता है। तो रेस्क्यू सही सलामत हो चुकी है, तो आइए हम इसे रिलीज कर देते हैं और दिखाते हैं ये कितना बड़ा कोबरा था। ये बहुत ही खूबसूरत कलर, चॉकलेटी कलर का ये कोबरा देखिए, तो जैसा कि अभी आपने देखा दोस्तों ये पूरा एरिया क्या है, जंगल से भरा हुआ है, और हम इसे सही सलामत यहाँ लाके रिलीज़ कर दिए। और मतलब ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इंसानों के बीच में अगर ये होता तो शायद हो सकता है इंसान इसे मार देते या फिर किसी इंसान को ये काट लेता। तो हमारा काम है ऐसे जीवों को इंसानों से दूर करके जंगल में रिलीज़ करना, जहाँ इसका मतलब अपना जगह होना चाहिए, है ना। तो चलिए चलते हैं घर दोस्तों। अगर रिलीजिंग और रेस्क्यू पसंद आ जाए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम और भी ऐसे ऐसे जीवों की जानें बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।